सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। सर्वप्रथम हमें जान लेना चाहिए कि सत्य अस्तित्व है, अदृश्य है, इसे हम बदल नहीं सकते, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और इस मानव चेतना में उसे जान दिए। आज जो भी प्रश्न हमारे सामने है वो सारे प्रश्न केंद्रित है मानव पर। मनुष्य ने ही अपने प्रश्न खड़े किए और अपने खिलाफत में वो खड़ा हुआ। अंधकार में, अज्ञान में मनुष्य देख नहीं पाता और इसी कारण हर तरह का विध्वंस, हर तरह की अनिति को अपनाता है। उसे कुछ लेक्चर देने से, उपदेश देने से, भाषण देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो बहुत लोग भाषण देते हैं, घर के ऊपर तो जो देखो वही बोलने लग जाता, जो देखो वही बोलने लग जाता। दो चार किताबें पढ़ ली घर से तो उस पर बड़े बड़े व्याख्यान लोग देते हैं, लेकिन इसका असर मनुष्य पर पड़ा पड़ा। वास्तविकता ये है कि हम अभी तक उस स्थिति में नहीं जहां हम धर्म के तत्व को अपने अंदर समाए और सत्य को जान, वो तत्व हमारे अंदर जागृत होना चाहिए और वो तत्व ही आत्मा के रूप में हमारे हृदय में वास करता है और देखता है कि हम क्या करते हैं। हमारी पूरी गतिविधियों के तरफ उसका ध्यान है और सोचता किस तरह से इस मानव के अकल आए, लेकिन वो हमारे चित्त में नहीं, इसीलिए वो हमारे जीवन में नहीं। उसे चित्त में लाने का एक ही मार्ग बनाया हुआ परमात्मा ने कि आपका संबंध उससे घटित हो जाए और वही घटना जो है वो सहज योग से ही प्राप्त हो सकती है। सहज का मतलब आप जानते हैं कि जो हमारे आत्मसात और जो हमारे जन्म हुआ, ये योग का अधिकार आप सबको। सत्य जो मैं आपसे कहने वाली हूँ उसको जरूरी नहीं कि आप अंधश्रद्धा में मान, पर इसका पड़ताला नहीं, इसका प्रमाण मिलने पर तो आपको ईमानदारी से उसमें विश्वास करना है, क्योंकि इसी में आपकी भी भलाई है, इस देश की भलाई है और सारे संसार की भलाई है। इसके बगैर ये संसार न जाने किस नर्क में जाके पड़ने वाला है। सत्य ये है कि आप शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि उपाधि में, यहाँ तक कि आप जिस धर्म को मानते हैं वो भी आप में समाया हुआ नहीं। आप एक शुद्ध आत्मा है। उस स्थिति में न पहुंचने के कारण ही आप अंधकार में और अज्ञान में, और दूसरा सत्य ये भी है कि चारों तरफ हमारे परमात्मा की प्रेम की सृष्टि है। ब्रह्मचैतन्य चारों तरफ, देखिए आपके आकाश की ओर देखिए कितना प्रकाश हो रहा है, ये सारा प्रकाश उस ब्रह्मचैतन्य का, जो सारा कार्य जितना भी जीवित कार्य है उसे हर समय, हर घड़ी, हर पल कर रहा है। उसे हम समझ नहीं पाते
ये फूल लगे हुए आप देख रहे हैं, यहाँ की हरियाली की जो हरियाली है उसे आप देखते हैं, खेती में जो जो कार्य हो रहा है उसे आप देखते हैं, पर कभी सोचते भी नहीं कि कितना बड़ा चमत्कार है कि हम बीज इस पृथ्वी माता में छोड़ देते हैं और उसको अंकुरित करके ये पृथ्वी माँ हमें इतने फल देती है। इससे हम विचार भी नहीं करते कि ये शक्ति कौन कहते हैं कि हम अमीबा से इंसान बने, तो कौन सी शक्ति ने हमें अमीबा से इंसान बनाया, हमें अमीबा से इंसान बनाया, ये सारे कार्य कौन करता है। हर पेड़ की अपनी एक सीमित बात होती, जैसे कि समझ लीजिए एक आम का पेड़ वो एक हद तक ही बढ़ेगा, या फिर एक गुलाब का पौधा होगा वो भी एक हद तक बढ़ेगा, मनुष्य भी एक हद तक ही बढ़ता है, ये कौन सीमित करता है, ये कौन चलाता है। हमारा हृदय का स्पंदन इसे हम अनहत है। अनहत का मतलब है कि जब दो चीजें एक दूसरे से टकराती है तब आवाज होना वो तो हत हुआ, लेकिन बगैर ऐसे जो आवाज हमारे हृदय में आती है ये कहाँ से आती है। डॉक्टरों को भी इसका कोई भी उत्तर नहीं, और वो ईमानदारी के साथ कह देते हैं कि साहब हम इसके मामले में कुछ जानते नहीं और हम सारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसके बारे में भी कुछ नहीं जानते। जो कोई सी भी जब हम अपने अंदर गति करते हैं, दौड़ते हैं या किसी भी तरह का अति कार्य करने पर जब हमें श्वास लग जाता है या जब हमारी हृदय की गति बढ़ जाती तो अपने आप वो पैरासिम्पैथेटिक पता नहीं कैसे उसको फिर से नॉर्मल ले आता, उसका उत्तर उनके पास है। और शास्त्रों ने भी इसका एक ही उत्तर लिखा हुआ कि आप पहले आत्म साक्षात्कार करता सब धर्मों में यही लिखा, लेकिन उस बात को कोई भी धर्म मानदंड मानते हैं क्योंकि उनको मालूम ही नहीं ये कार्य कह सकते। इस वजह से धीरे धीरे जो धर्म बड़े उच्च स्तर पर बनाए गए थे, बहुत ही महान इस तरह के व्यक्तित्व बनाने की जिसमें पूरा शक्ति थी, वो धर्म अशक्त हो गया और उन धर्मों का बस पाखंड रह गया, क्योंकि ये धर्म सत्ता के पीछे नहीं या पैसे के पीछे नहीं दौड़ते। सबसे बड़ी तो सत्ता जब हमारी अपने ही ऊपर नहीं तो और दूसरी सत्ता लेकर के करना और पैसे की इस तरह की गुलामी करना किसी भी सशक्त मनुष्य की व्याख्या नहीं कर सकते। इसलिए हमें सोचना भी चाहिए कि आखिर कोई हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन कोई भी धर्म का हो, सिख धर्म का हो चाहे बुद्ध धर्म का हो, वो कोई सा भी पाप कर सकता, उसके धर्म का कोई बंधन नहीं पड़ता, उसके अंदर धर्म जागरूक नहीं, तो फिर क्या वजह है कि हम लोग इतने धर्म के पीछे पागल हो रहे हैं, धर्म की हम बातें करते हैं लेकिन क्या वजह है कि हमारे अंदर ये धर्म करते, कौन सा ऐसा रास्ता हमारे अंदर टूट गया है जिसके कारण हम इसे पा रहे हैं। एक ही बात है कि जब तक अपने अंदर आत्मा जागृत नहीं होगी तब तक इसकी आत्मीयता हमारे अंदर है। इसे जिस धर्म का साथ आप अपने अंदर उतारना चाहते हैं वो आपसे अछूता है, उसके लिए जरूरी है कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। और इसका मार्ग बहुत सहज सरल है, कोई कठिन मार्ग नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये बहुत कठिन मार्ग है, ऐसे तो ये सहज सहज समाधि का कहा गया, सहज से ही सबने कहा गया कि सहज ही होना चाहिए, इसमें अगर इतनी कठिनाई हो तो फिर ये कार्य कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन क्योंकि लोगों को इसका अधिकार है, ज्ञान नहीं था इस बारे में, जानते नहीं और पैसा और सत्ता के पीछे में दौड़ रहे थे, इसलिए उनके अंदर इसकी शक्ति नहीं थी,
इसलिए वो सबसे बताते थे कि ठीक है आप ये करो, इसका नाम लो, उसका नाम लो, ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन किसी को भी सब फल नहीं, किसी को भी इससे सुख नहीं, हर तरह की परेशानी आ रही। लोग कहते हैं कि माँ हम धर्म इतना करते हैं तो भी हमारे घर में इसकी परेशानी, हमारे देश में इसकी परेशानी, एक है वजह यह है कि धर्म अंदर समाया ही है, सब बाहर नहीं गए, सब बाहर में ही बातचीत हो रही है। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि सबसे पहले हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त, इसमें मनुष्य को इतने लाभ हो सकते हैं उसका तो मैं वर्णन ही नहीं करती। मैं स्वयं ही आश्चर्यचकित कि इसके इतने लाभ इतने जल्दी लोगों को हो रहे हैं, तो लोगों ने कभी इधर सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया, इधर कोई संशोधन ही नहीं किया कि चलो इस तरह से ये कार्य हो सकता है। इसके बारे में अपने शास्त्रों में अनादि काल से लिखा गया। हाँ, ये बात जरूर थी कि कुंडली का जागरण जो है उसका वर्णन हर जगह था, लेकिन इसे कोई कर नहीं पाया। लेकिन आ जाता है कि राजा जनक ने एक नचिकेता को आत्म साक्षात्कार किया और फिर पाली शताब्दी तक एक गुरु एक ही शिष्य को जागृत किया, ऐसी ही परंपरा थी। पाली शताब्दी में श्री ज्ञानेश्वर जी ने अपनी भाषा में पहली मरतबा इसके बारे में, इससे पहले सब संस्कृत भाषा में लिखा जाता था और संस्कृत भाषा में कोई समझ नहीं पाती थी क्या था। जो समझे थे वो एक ही शिष्य को आत्म साक्षात्कार दे। ज्ञानेश्वरी जी ने जब अपनी ज्ञानेश्वरी इसके बारे में लिखा छठे अध्याय में, कुंडलिनी इस तरह से होती है और वो जागृत होकर के ही योग को घटित करती है, तब धर्म मार्तंड उन्होंने सोचा कि ये तो अपने बस का नहीं, तो अच्छा तुम ज्ञानेश्वरी तो पढ़ो लेकिन ये जो छठा अध्याय है ये चीज है इसे न पढ़ो। इस प्रकार वो भी चीज वही खत्म हो गई। यहाँ उत्तर हिंदुस्तान में तो किसी ने कुंडलिनी का नाम भी नहीं सुना था। शुरू शुरू में जब कुंडली की बात करती थी तो कुंडलिनी की बात करती थी तो सोचते मैं कुंडली की बात कर, इसमें और उसमें बहुत ही अंतर है, लेकिन कुंडलिनी नाम की शक्ति हमारे अंदर स्थित है। ये सब जैसे लिखा हुआ था और उसको जागरूक करने के बारे में भी लिखा है, किंतु उसकी जागृति बहुत ही सीमित। आज ऐसा समय आ गया है हजारों में ये जागरूक हो और होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये न हो मनुष्य में ये विशेष उसकी जो शक्तियां वो प्रकटित न हो तो मनुष्य नष्ट हो, उसके अंदर इतनी शक्तियां निहित है, इतनी शक्तियां छिपी हुई है कि उसकी जागृति होना अत्यंत आवश्यक है। आज हम अमीर बात से इंसान बने और इंसान से अब थोड़ा सा मार्ग और चलना जिससे कि हम आत्म साक्षात्कार हो जाए, उसके प्रकाश आत्मा के प्रकाश में हमें अंतर दिखाई देगा कि हम क्या थे और अब क्या हैं।